हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में सीखेंगे हम इस फ्लोर लेंथ गाउन को बनाना, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैंने बहुत इजी तरीके से बताई है। प्लीज़ आप वीडियो अंत तक बने रहिएगा। इसको हमने रियोन फैब्रिक से बनाया है। चलिए कटिंग और स्टिचिंग शुरू कर लेते हैं। इसका सीखेंगे हम फ्लोर लेंथ गाउन बनाना, जिसके लिए हमने रियोन प्रिंटेड फैब्रिक लिया है। ये हमारा जो फैब्रिक है वो पूरा 5 मीटर है, यानी 5 मीटर फैब्रिक है ये रियोन का, और इसी से आज हम आपको गाउन की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। इसमें से थोड़ा बहुत फैब्रिक हमारा बचेगा वो हम आपको दिखा देंगे 5 मीटर में से फुल लंबाई का गाउन बनने के बाद कितना ये हमारा फैब्रिक बचा है। सबसे पहले हम फैब्रिक देख लेते हैं। ये देखिए, ये रियोन का फैब्रिक है और काफी सॉफ्ट और मतलब गर्मियों के लिए काफी अच्छा है। अभी तो देखिए फ्रेंड, जैसे हमें नॉर्मली 60 इंच का पना मिलता है, लेकिन इसका 40 का है। जैसे मैं गाउन बनाती हूँ तो उनका फुल लंबाई होता है, तो उसमें हमें जोड़ की जरूरत नहीं पड़ती नीचे लेंथ बढ़ाने के लिए। लेकिन इसका जो पना है वो पूरा 40 का है, तो इसमें जोड़ भी आएगा, बट वो जोड़ दिखाई नहीं देगा। सबसे पहले फैब्रिक को इस तरीके से पकड़ेंगे, और पकड़ने के बाद अगर आप पतले हो बिल्कुल, तो आपका इस तरीके से गाउन मतलब टॉप पार्ट निकल जाएगा। अगर आपकी जो ब्रेस्ट है वो 30 के लगभग है, तो अगर आपकी ज्यादा है तो आपको इस तरीके से फैब्रिक को मोड़ना है और अपनी ब्रेस्ट के अकॉर्डिंग इसको निकालना है यहाँ से ऐसे। तो मैं यहाँ से इतना फैब्रिक निकाल लूंगी इसमें से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में रखा हुआ है। ये खुली साइड है और ये बंद साइड है और ये इसकी लेंथ है। सबसे पहले हम लेंथ का निशान लगाएंगे। हमारी जितनी ब्रेस्ट है उससे हमने 3 इंच कपड़ा ज्यादा लिया है। अभी यहाँ से जैसे हमारे टॉप पार्ट की जो तैयार लंबाई होगी वो होगी 16 इंच, 17 या 17.5 पे हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करके इसमें से अलग कर देंगे। तो यहां से देखिए फ्रेंड्स, हम जो गले की चौड़ाई है वो 3 इंच लेंगे, तो हम यहां से जो भी हमारा शोल्डर है उसका आधा लेना है। जैसे 14 है शोल्डर, तो हम 7 इंच लेंगे उसका आधा। तो यहाँ से निशान लगाएंगे और आर्म होल भी हम यहाँ से 7 इंच पे ही लेंगे। एक सीधी लाइन बनाएंगे और यहाँ से जो भी आपका ब्रेस्ट साइज है उसमें आपको, जैसे हमारा यहाँ पे ब्रेस्ट साइज है 40, तो मैंने बताया आपको मैंने 3 इंच कपड़ा ज़्यादा लिया है, तो मैंने 13 इंच लिया है। जैसे हमारा 10 आएगा, 2 इंच मार्जिन, क्योंकि कई बार जब हम इसको कटिंग वगैरह करते हैं सिलाई के बाद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो मैं इसलिए ज़्यादा ही लेके चलती हूँ। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। अब यहाँ से जो कमर साइज है वो है यहाँ पे 36 इंच, 36 का चौथा हिस्सा आता है 9 इंच, 9 में 2 इंच एक्स्ट्रा तो हो गया 11 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा क्योंकि प्लेट डालेंगे, तो हम यहाँ से निशान लगा लेंगे 12 इंच पे और इन दोनों पॉइंट्स को एक दूसरे से मिलाएंगे। अब यहाँ से हम 1 इंच का इसको डाउन करेंगे यहाँ से। ठीक है, ये जो खुली साइड है यहाँ से 1 इंच कपड़ा डाउन करके और इस तरीके से नीचे तक मिलाएंगे। तो देखिए, बैक के लिए लगाएंगे 1.5 इंच पे और यहाँ से गोलाई दे देंगे। अब इसमें इस तरीके से 1 इंच पे फ्रंट के लिए लगाएंगे, इसमें भी हम गोलाई दे देंगे ऐसे। अब बस इसकी हम कटिंग कर देंगे पूरे की। तो हम यहाँ से जो हमने गोलाई के लिए लगाया था यहाँ से कट करते हुए ऊपर की साइड लेके आएंगे इसको, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके, और बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे हम। सबसे पहले बैक को अलग करने के बाद फिर उसके बाद हम फ्रंट की करेंगे। और इसमें अस्तर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप चाहें तो इसमें हल्का कॉटन का अस्तर लगा सकती हैं, वैसे इसमें नहीं पड़ेगी अगर आप डेली यूज के लिए बना रहे हो तो। आप एक पार्ट अलग कर देंगे और फ्रंट पार्ट को बिछा के आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। अभी देखिए फ्रेंड्स, हमने बचे हुए कपड़े से बाजू के लिए कपड़ा अलग कर लिया है। तो ये हमारा 4 तह में रखा हुआ है कपड़ा, या इसकी 4 फोल्ड हैं, ये बंद साइड है, ये ओपन साइड है। सबसे पहले लंबाई देखेंगे। जैसे बाजू की तैयार लंबाई है 16 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके 17 इंच पे निशान लगाया है। अलग से पट्टी जोड़ेंगे इसमें, इसलिए हमने 1 इंच सिलाई के लिए ही लिया है। अगर आप पट्टी नहीं जोड़ना चाहती तो आप 2 इंच ज़्यादा लीजिए। अब इसमें से बाजू का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड, जैसे हमने इसका ब्रेस्ट भी ज़्यादा है, आर्म होल भी 7 इंच है, वैसे तो हम यहाँ से पूरा 10 इंच ले लेंगे। अब यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे
खुली वाली साइड से, और बाजू की जो नॉर्मल शेप होती है वही हम इसमें देंगे इस तरीके से। ये प्रिंट वाला कपड़ा है तो बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन बाजू की सिंपल शेप देनी है। यहाँ तक 7 इंच पे लेंगे और यहाँ से और यहाँ तक मिलाएंगे और कट कर देंगे इसे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने जो निशान है वो हमारा इसी तरीके से था, देखिए जैसे मैंने बाजू की कटिंग की है। यहाँ से थोड़ी सी छटाई कर लेंगे सिलाई करते टाइम ही। तो बाजू कटिंग हो गई है, अब इसका घेरा देख लेते हैं। अभी देखिए फ्रेंड्स, टॉप पार्ट और बाजू कट करने के बाद जितना भी हमारा फैब्रिक बचा है इसमें से हम प्लेट वाला बना रहे हैं, क्योंकि रियोन फैब्रिक है तो जोड़ने की वजह से कई बार कपड़ा लटक जाता है, तो प्लेट वाला गाउन भी बहुत अच्छा बनता है। उसकी वीडियो हमने एक और डाली है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। वो हमने साड़ी से बनाया था। जैसे हमारे टॉप पार्ट की तैयार लंबाई है 16 इंच, हमारे गाउन की तैयार लंबाई है 55 इंच। तो 55 इंच हमारी तैयार है, उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, क्योंकि नीचे से मोड़ने के लिए या कोई बोन पट्टी वगैरह आप लगा रहे हो उसके लिए। तो मैंने क्या करना है, यहाँ से 1 इंच मार्जिन लेके मैंने 56 इंच पे निशान लगाया है और इतना फैब्रिक एक्स्ट्रा है। और वैसे भी रियोन का गाउन कई बार लटकता बहुत है, तो इसीलिए मैंने इसको अम्ब्रेला में ना, अगर मैं अम्ब्रेला में इसको बनाती तो हमारा फैब्रिक इसमें से बचता, बट अब मैंने पूरा ही फैब्रिक प्लेट्स के लिए ले लिया है तो अभी नहीं बच रहा है इसमें से। बस इसी के ऊपर निशान लगाते हुए हम पूरा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है कट कर देंगे। और ध्यान रखें, फैब्रिक को आप बराबर करके ही बिछाएं ऊपर से। ये देखिए मैंने अच्छे से यहाँ पे पिनअप करके इसको तब बिछाया है ताकि छोटा बड़ा ना हो फैब्रिक आपका। अभी जो भी हमारा फैब्रिक है उसके हम 2 पार्ट कर लेंगे, यानी कि बैक और फ्रंट के लिए हम अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा फ्रंट पार्ट, और फ्रंट पार्ट को हम इस तरीके से मोड़ के बिछाएंगे। ये देखिए हमने मोड़ के बिछा लिया है। अभी हम क्या करेंगे कि इसमें मतलब प्लेट्स के लिए निशान लगाएंगे। 4 से 3.5 इंच तक आप इसको लगा सकती हो, और 6 इंच का हम इसका लेंथ रखेंगे। ये मैंने बड़े स्केल से लगा लिया है, आप इंच टिप से लगाइएगा। अब प्लेट्स को हम आधा आधा इंच का डालेंगे, क्योंकि हमने इसमें जो मार्जिन लिया था वो 1 इंच का लिया था प्लेट्स के लिए, और 2 इंच का हमारा इसके अंदर मार्जिन रहेगा। ये रियोन फैब्रिक है तो ये मतलब जल्दी से हमारा ये सिकुड़ता बहुत है, तो मतलब श्रिंक होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही लेंगे हम। तो ये देखिए ये हमने कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको मोड़ेंगे, यहाँ से अच्छे से मोड़ेंगे, और मोड़ने के बाद यहाँ से हम इसमें सीधी एक लाइन बना देंगे। इस तरीके से लाइन बना के ये देखिए यहाँ से सीधी लाइन बना देंगे, और एक छोटा सा कट लगा देंगे। अभी हम क्या करेंगे, ये हमने गला कट कर रखा है, ये चौकोर गला है। अभी इसकी लेंथ हमने ली है 7 इंच, चौड़ाई ली है 3.25 इंच। आप अपने हिसाब से इसकी चौड़ाई लंबाई रख सकती हैं। पिन लगा लीजिए और इसके चारों तरफ को सिलाइयां लगा के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके अलग कर दीजिए। पीछे का जो हम पार्ट बनाएंगे वो सेम मेथड से बनाएंगे, इसलिए मैं आपको फ्रंट में पूरा दिखा रही हूँ। तो देखिए गला आप अपनी पसंद से कोई भी बना लीजिए। तो मैं इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन करूँगी लेस से इसको। तो पीछे का गला हम गोल ही रखेंगे, उसकी जो चौड़ाई होगी वो भी इतनी होगी, और लेंथ होगी वो हम लगभग 3 से 3.5 इंच की रखेंगे। अब इसके ऊपर एक रफ सिलाई लगा के और इसको अंदर की साइड मोड़ेंगे यहाँ से। पूरे ही कपड़े को हम अंदर की साइड मोड़ लेंगे, और फिर इसके ऊपर तुरपाई कर लीजिए या फिर एक कच्ची सिलाई लगा के बाद में आप तुरपाई कर लीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ से अच्छे से मैंने कर दिया है। अभी मैं इसको रॉन्ग साइड को मोड़ के और इसके ऊपर पूरे के ऊपर तुरपाई कर लूँगी। देखिए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगाई है, तो पहले हम लेस लगा लेते हैं इसके ऊपर। तो लेस देखिए मैं आपको बता ही देती हूँ, आप कैसे भी अपने हिसाब से लगा सकते हो। आप ऐसे बाहर की तरफ रख के इसमें डिज़ाइन भी बना सकते हो, या ऊपर रख के इस तरीके से यहाँ से कॉर्नर बना के भी आप लगा सकते हो। लेकिन मैं देख रही हूँ मुझे
किस तरीके से लगानी है, क्योंकि पहले मैं चेक कर रही हूँ, मतलब मैं अभी बड़ा नंबर करके मैंने सिलाई कर रखी है, अगर ऐसे ठीक लगेगी तो ऐसे, वरना मैं इसको अलग तरीके से लगाऊंगी सीधा सीधा, तो वो हम देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने वो ना लगा के पहले मैंने दो लेस लगाई हैं नीचे गले पे, अभी हम इनको ऐसे लंबाई में रख देंगे ताकि जो अब ये धागे वगैरह निकल रहे हैं ढक जाएँ। तो मैंने ये सीधी सीधी दो सिलाइयाँ लगा दी हैं, और इसके सेंटर में मैंने टॉप पार्ट को मोड़ के जो सेंटर में ये वाला निशान लगाया था, ये हमने इसलिए लगाया था जो हमारा फैब्रिक है जिसकी प्लेट डलेंगे, उसके दो पार्ट हमने कर लिए थे जब आपको दिखाया था, उसके भी सेंटर में एक निशान लगा लें। उससे क्या होगा कि जितना भी फैब्रिक हमारा इधर उधर को जैसे हमारा छूटेगा, 2 इंच इधर 2 इंच इधर छूटेगा फिटिंग के, जो हमारे सिलाई लगेगी उसके लिए। अब उसके बाद जितना भी हमारा कपड़ा है उसके हम प्लेट्स लगाएंगे। प्लेट्स में लगभग 2 से 2.5 इंच की लगा रही हूँ। ये देखिए यहाँ से और पूरे में प्लेट्स को लगा देंगे। ये देखिए यहाँ से मोड़ते हुए लगा देंगे पूरे में। अच्छे से मोड़ के, और देखिए सेम मैं अपने बैक पार्ट में करूँगी, जैसे मैं आपको फ्रंट में बता रही हूँ बैक में भी हमें सेम ही करना है, और इधर भी जैसे हमने उधर 2 इंच कपड़ा छोड़ा है यहाँ पे भी हमें 2 इंच ही छोड़ना है। ये देखिए अब ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है, 2 इंच इधर छूट जाएगा, तो पूरे कपड़े की हमारी प्लेट्स डल गई हैं। तो सेंटर का निशान लगाने का ये फ़ायदा होता है, उससे हमें ये पता रहता है प्लेट्स एकदम अच्छी आई हैं हमारी। ये हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट में सेम प्लेट डाली है, ये छोटा सा गला है जैसे मैंने आपको बताया था, दोनों का शोल्डर जोड़ेंगे। ये स्लीव्स है, स्लीव्स के ऊपर भी मैंने डबल लेस लगा ली है, बचे हुए फैब्रिक से स्लीव्स कट कर ली हैं। बस स्लीव्स को सीधी साइड को उल्टा करके रखेंगे और बस सिलाइयाँ लगा देंगे। ये देखिए यहाँ से पूरे में हम सिलाइयाँ पूरे आर्म होल में घुमाते हुए लगा देंगे। ये देखिए यहाँ से हमने सिलाइयाँ लगा दी हैं इसमें, अब इसमें फिटिंग दे देंगे। फिटिंग आप अपने हिसाब से दीजिएगा, जो भी आपका फिटिंग है, मतलब वो निशान लगा लीजिएगा चौक से, मैंने निशान लगा लिए हैं। बस अब नीचे बॉटम तक जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और बॉटम तक जाएंगे। नीचे बॉटम तक आ जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों बॉटम साइड में और नीचे से जो इसका बॉटम था वो मैंने मोड़ लिया है अंदर को, और ये हमारा गाउन पूरा बन के कम्प्लीट है। आप देख ही सकती हैं इसका फाइनल लुक, रियोन फैब्रिक से कितना सुंदर कंफर्टेबल गाउन बन के आया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।